अभी कमलेश राय जी भी आ गए हैं, संयोजक हैं, जमकर मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया, मेहनत का फल जनता ने दिया है, पुराने वोट के करीब करीब जाते जाते रह गए। हाँ, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, बिरंची नारायण जी ने बहुत क्षेत्र में ऐसा काम किए थे और इनका व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और क्षेत्र के विकास को देखकर जनता ने इन पर विश्वास जताया और इन्हें आशीर्वाद दिया जो पिछला बार मिला था, लगभग उतना आशीर्वाद इन्हें मिला। मैं जनता को, पूरी बोकारो की जनता को हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सबको कहता हूं कि जो आप लोग आशा लगाए हैं बिरंची नारायण से, इस कार्यकाल में वो आशा आपका पूरा होगा। अच्छा, कमलेश जी, संयोजक होने के नाते एक पार्टी का प्रश्न पूछना चाहूंगा। बोकारो की तमाम विधानसभा में लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो पार्टी विरोधी काम कर रहे थे, तो क्या करेंगे आप, उन नेताओं के साथ क्या होने वाला है? जो लोग पार्टी विरोधी कार्य कर रहे थे, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पता है जो कौन लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर अपना जो उचित कार्रवाई होगा अपना करेगा और उनको इस चीज़ से खुद भली भांति अवगत है। क्या लगता है, जनता ने बता दिया कि पार्टी का नेता होना आवश्यक नहीं है, जनता का सेवक होना जरूरी है? इसमें स्पष्ट रूप से बताया जनता ने कि पार्टी के नेता के साथ साथ जनता के दिलों में बास करने वाले को जनता हमेशा आशीर्वाद दी और इस बार वही हुआ। बिरंची नारायण को पार्टी के लोग चाहे कोई भी हो विरोध भी किया, लेकिन जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विजयी बनाया। तो सुना आपने, ये कमलेश राय हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम लोगों, ऐसे लोगों पर नज़र है और नज़र पार्टी भी बना के रखी हुई है। विधानसभा का चुनाव है, अब जीतने के बाद पार्टी तय करेगी कि उन लोगों के साथ क्या होगा। खैर, उन लोगों के साथ क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है, पड़ाका मिठाइयाँ फूट रही है और ठीक इस काउंटी हॉल से हम लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ पर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं इस समय। ठीक है।